सोशल मीडिया पर मशहूर पंडवानी कलाकार पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई की तबीयत खराब होने की खबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तत्काल डॉक्टरों की टीम तीजन बाई के ग्राम गनियारी स्थित निवास पर पहुंची और उनकी जाँच की। वही सांसद विजय बघेल गुरुवार रात 10:30 बजे उनसे मुलाकात करने उनके गाँव गनियारी पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। सांसद ने तीजन बाई के पैर दबाकर उन्हें खिचड़ी भी खिलाई। बता दें, सोशल मीडिया पर तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद सांसद विजय बघेल उनके घर पहुंचे थे। संगवारी हो, जय जोहार, मैं आ जाऊं हमर छत्तीसगढ़ के धरोहर, हमर पंडवानी के जो धरोहर है, हमर पुरखा है, हमर थाती पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के घर में। और आज हमर चाची के हालत है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है चाची के, और एला लकवा भी एक तरफ से मार दे है। लेकिन ये बहुत बड़े दुख के बात है कि आज छत्तीसगढ़ के हमर धरोहर ला ना एकर बारे में कोई ला जानकारी है, ना कोई ला कुछ सूचना है। और मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँ मोर छत्तीसगढ़ के सरकार से, शासन से, मुख्यमंत्री से, कि आज हमर डॉक्टर तीजन बाई की हालत है, बहुत खराब है। आप एला देखे बार आओ, एकर गुहार ला सुनो, अब एला जल्द से जल्दी एला स्वास्थ्य करना है, एकर तबियत ला देखना हवे। और जितना भी छत्तीसगढ़ के कलाकार है, तेल में कहूँ, जब तक तीजन बाई पंडवानी करत रही से सब कोई देखत रहे हो, लेकिन आज एकर स्थिति बहुत खराब है हमार पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के। तो जम्मू हमार छत्तीसगढ़ के जितना भी संगवारी है, हमार मंत्री है, हमार नेता है, हमार अधिकारी है, तिकर से निवेदन है कि सब जन हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर डॉक्टर पद्म भूषण पद्मश्री तीजन बाई ला आप मन देखे बार जरूर रहू, एकर सोर खबर लू, एकर जो तबियत हवे अभी जो बहुत बिगड़े हुए स्थिति है, एकर घर ला देखैया कोई नहीं है, एकर परिवार ला देखैया कोई नहीं है। और अभी एकर दो दो बेटा के एक साथ में अभी खत्म हुए बेटा हाथ, एकर देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है परिवार के। तो निवेदन है आप सब जन से कि हमार छत्तीसगढ़ के इस धरोहर ला आप मन बिल्कुल सहेज के रखो, और हमार चाची ला सब जन देखे बार छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री डॉक्टर भूषण तीजन बाई ला देखे बार जरूर रहो। संगवारी हो, मोर छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता से और छत्तीसगढ़ के नेता अधिकारी से सबसे मैं गुहार लगात हूँ। जय जोहार।